स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ जॉन रोजर्स कॉमन्स। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुए हैं 19th century में, और इनका बहुत इम्पैक्ट रहा है, और ये फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट माने गए हैं जॉन रोजर्स कॉमन्स। इनके द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले इन्होंने अपने आइडिया में फर्स्ट जो आइडिया दिया है वो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है, सोसाइटी जिस पर डिपेंड है, उन सारे ट्रांजैक्शन की इन्होंने बात करी है। सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक इम्पैक्ट माना है। ह्यूमन बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने में। ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जब करता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में करता है, उससे सोशल इफ़ेक्ट भी पड़ता है। जैसे बार्गेनिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि बार्गेनिंग का जो सिस्टम है, मैनेजियल ट्रांजैक्शन या फिर राशनिंग ट्रांजैक्शंस, ये तीन तरह के ट्रांजैक्शंस करता है और इससे पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है। तो इन्होंने अपने व्यू पॉइंट में ह्यूमन बिहेवियर की एक इम्पोर्टेंस को बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा एलिमेंट है जो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इफ़ेक्ट करता है। जैसे जैसे ह्यूमन बिहेव करेगा, जैसे जैसे ह्यूमन एक्सपेंडिचर खर्चा करेगा मार्केट में, जैसे जैसे ह्यूमन ट्रांजैक्शंस करेगा, वो सारे आपकी सोसाइटी की इनकम के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और सोसाइटी भी उससे अफेक्टेड रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू कॉमन्स, ह्यूमन बिहेवियर वॉज अ सोशल फिनोमिनॉन एज इट अफेक्टेड द एंटायर सोसाइटी। ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका सबसे बेस क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। मैन हैव टू डिपेंड ऑन वन अनादर। जैसे कि एक पर्सन का अगर इनकम होता है तो दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है उसकी इनकम के लिए। इसलिए यहाँ पे इन्होंने मैन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट बताया है, वन अनादर, एक दूसरे पे डिपेंड इसलिए है क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम का साइकिल चलता है सोसाइटी में। कैसे चलता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। इन्होंने ये पॉइंट और बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट इन देम। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया इन्होंने कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में होता है कि ट्रांजैक्शन एक बार ही होगा या ट्रांजैक्शन होगा नहीं, लिटिल और नो ट्रांजैक्शन, नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो वो क्रिएट करता है कन्फ्लिक्ट। ना वहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो दूसरे की इनकम क्रिएट नहीं करता। सो डिपेंडेंस क्या है मैन की, मैन के साथ ही है। द डिपेंडेंस ऑफ मैन अपॉन मैन एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग शुड ऑलवेज बी कैप्ट इन ऑर्डर विच वॉज पॉसिबल ओनली बाई स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब इन्होंने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की इंपॉर्टेंस बताई है कि अगर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को समझ जाए, मैन की डिपेंडेंस दूसरे मैन पर समझ जाए, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन समझ जाए, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो होगा सोसाइटी के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू जॉन रोजर्स कॉमन्स। फिर इन्होंने अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करा है तीन पार्ट में, बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन जो हमने बात करी थी, मैनेजियल ट्रांजेक्शन और रैशनिंग ट्रांजेक्शंस। द मेन डिफेक्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स वॉज इट वॉज कंसर्न ओनली एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब इन्होंने तीन क्लासीफाई करे हैं, बार्गेनिंग, मैनेजर और रैशनिंग ट्रांजेक्शंस, और इन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो पुराने इकोनॉमिक्स थे उनके उनका जो कंसर्न है वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को ही डिफेक्ट बताया है। तो दैट इज़ अ, यहाँ पे इन्होंने कमी भी बताई है कि ओनली एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तीन तरीके से ट्रांजेक्शन डिवाइडेड होता है, बार्गेनिंग, राशनिंग और मैनेजर ट्रांजेक्शन। ये ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, बार्गेनिंग का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, जिसमें इक्वल वे में अगर होगा तो बेटर इनकम और बेटर एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए जो गुड्स एंड सर्विसेज पे इक्वल वे में रहे सेलर और बायर दोनों के लिए। इन मैनेजर ट्रांजेक्शन लीगल सुपीरियर डायरेक्ट्स ऑन एन इन्फीरियर विद द हेल्प ऑफ स्टेट अथॉरिटी
ऑन द अदर हैंड इन लास्टिंग ट्रांजेक्शन थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व नेमली सुपीरियर अथॉरिटी इन्फीरियर अथॉरिटी एंड अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब मैनेजर ट्रांजेक्शन में भी इन्होंने बताया कि स्टेट के अकॉर्डिंग यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होने चाहिए। मैनेजर ट्रांजेक्शन जो बेसिक सर्विसेज पे लगते हैं बेसिक ट्रांजेक्शन है उसमें भी इन्होंने अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट यानी कि स्टेट का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन्फीरियर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट तीनों के बारे में बताया है। यानी कि मैनेजरल ट्रांजेक्शन ऐसे होने चाहिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो लॉज के अकॉर्डिंग चलते हो जिसपे रूल्स रेगुलेशन लॉज अगर ये सब चीज़ें ढंग से होगी तो बेसिकली एक इफेक्ट रहेगा वहाँ पे मन मर्जी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मोनोपोली ख़त्म होगी और एक तरीके से इन्होंने सुपीरियर बॉडी जिसका मतलब ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट बताया तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होंगे एक्सपेंडिचर भी सही होगा और इनकम का भी सही होगा तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन लीड टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ वेल्थ मैनेजर ट्रांजेक्शन क्रिएट वेल्थ रैशनिंग ट्रांजेक्शन रैशन द बर्डन एंड बेनिफिट ऑफ द वेल्थ। अब तीनों की इंपॉर्टेंस बताई इन्होंने। बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन क्या करता है ओनरशिप को चेंज करता है वेल्थ की किस कि रिच और रिच पुअर नहीं होता रहेगा रिच ज़्यादा रिच नहीं बनता रहेगा और पुअर ज़्यादा पुअर नहीं होगा। तो इस चीज़ का कब है जब बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन होगा। मैनेजर ट्रांजेक्शन पे इन्होंने वेल्थ को क्रिएट करना सिखाने की बात कही है और आस्टिंग ट्रांजेक्शन में इन्होंने बर्डन की बात कही है कि बर्डन हटाता अगर समझदारी से आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके ऊपर बर्डन हटेगा आप वेल्थ का सही यूज़ कर पाओगे वेस्टेज कम रखोगे और उससे आप अपना बेनिफिट ज़्यादा ले पाओगे कि मोर एक्सपेंडिचर और लेस एक्सपेंडिचर दोनों में बैलेंस हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे तो भी प्रॉब्लम रहती है कम एक्सपेंडिचर करोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो इन्होंने गोइंग कंसर्न की बात करी है कि तरीके से अगर आप एक्सपेंडिचर को लेकर चलोगे तो सारे एक्सपेंडिचर बेसिकली सही रहेंगे और ट्रांजेक्शन भी अच्छे रहेंगे और बेसिकली हमारी कंट्री की वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। इसलिए तीन पार्ट जो में डिवाइड जो इन्होंने करा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को इसकी इंपॉर्टेंस इन्होंने ज़्यादा बताई है बार्गेनिंग रैशनल और मैनेजरियल जिसमें रैशनिंग की इंपॉर्टेंट भी इन्होंने बताई कि रैशनिंग ट्रांजेक्शन अगर होगा समझदारी से ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बर्डन ख़त्म होगा वेस्टेज ख़त्म होगा एफर्ट का प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद इन्होंने बात करी है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन्होंने एम्फेसाइज करा है डिटेल में बताया है कि मैन को मटेरियल की ज़रूरत है मैन को कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी प्रॉपरली सही तरीके से होंगे। तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि कोऑपरेशन के बिना मैन अधूरा है म्यूचुअल डिपेंडेंस है एक दूसरे का मैन का और कोऑपरेशन का। He emphasized the need for collective action to reconcile the clash of interest which the institution private property create. अब वही वाला पॉइंट जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया था फर्स्ट पॉइंट जो था इनका इकोनॉमी वाला जिसमें इन्होंने ट्रांजेक्शन की बात करी थी उसमें भी इन्होंने कन्फ्लिक्ट का जो सोर्स है वो बताया था प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पे मोर प्रॉफिट या फिर मोर प्रॉपर्टी या मोर वेल्थ के ऑब्जेक्ट को लेके प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं डिफरेंस पैदा करते हैं रिच और पुअर के बीच में। वही चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर एक चीज़ रिकनसाइल हो जाएगी द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विच द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसर्न है प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो मैटर है अगर ये सही तरीके से सुधर जाए पब्लिक में तो बेसिकली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अच्छे से सेटअप होगा उसका बेनिफिट मैन को मिलेगा क्योंकि रिच पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर ज़्यादा होते हैं और मैन और मटेरियल जो होता है वो उसका प्रॉपर्ली बेनिफिट मिडिल क्लास और लोअर क्लास को नहीं मिल पाता रिच रिच बनते जाते हैं पुअर का सोर्स जो है वो इनकम का क्रिएट हो जाता है बट पुअर अपने साइकिल जो है पॉवर्टी की उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ये एक कंसर्न इन्होंने बताया। इन हिज बुक इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कॉमन्स डिफाइंड इंस्टीट्यूशन एज ए कलेक्टिव एक्शन इन कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। अब इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स उसमें इन्होंने इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस बताई है और कलेक्टिव
एक्शन की इंपॉर्टेंस बताइए। अगर इंडिविजुअल एक्शन से ज़्यादा कलेक्टिव एक्शन पे आप ध्यान दें तो इंडिविजुअल एक्शन अपने आप कंट्रोल होगा। फर्दर कॉमन्स बिलीव डेट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंस्टीट्यूशन व सब्जेक्ट टू इवोल्यूशन। धीरे धीरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसे है, इवोल्यूशन से, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया वैसे वैसे इवोल्यूशन होता गया। दे इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, ही टुक द केस ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एक्सप्लेन्ड दैट हाउ दिस इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड ग्रेजुअली। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताई है, इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के बारे में बात कही है और कैपिटलिज्म के बारे में बात करी है, कैपिटलिज्म अच्छे और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करी है। तो इन्होंने अपनी थ्योरीज के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बताई है कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटलिज्म होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन से आया है, बट आज के टाइम में प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो कैपिटलिज्म है इनका प्रॉपर्टी सही यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने बताया कि इन इंस्टीट्यूशंस का डेवलप होना चाहिए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी सही स्टेक होल्डर के हाथ में रहे, कैपिटलिज्म सही रहे, तो हमारी कंट्री का जो वेल्थ का पोर्शन है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी है। इसके बाद इन्होंने बात करी प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में। प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी कि ऐसा अप्रोच जो बिहेवियर कंसर्न हो, जिसका यूटिलिटिलिज्म से कनेक्शन हो, दैट इज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। द प्रैग्मेटिक इकोनॉमिस्ट वर दोज हु हैड एन आई ऑन द वर्थफुलनेस ऑफ देयर रीजनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटेशन टेकिंग चांसेस एंड गाइडिंग देमसेल्फ एंड अदर्स इन द फ्यूचर। अब प्रैग्मेटिक में इन्होंने अलग अलग बात बताई है कि अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, चांस, गाइडिंग themselves एंड अदर्स इन द फ्यूचर्स। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताइए कि प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स कैसे होते थे। प्रैग्मेटिक इकोनॉमिस्ट वो होते थे जिनका कंसर्न क्या था कि किस तरीके से लोगों को अंडरस्टैंड करा जाए कंसेप्ट, किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटेशन कराए, किसी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन तक पहुँचे, कैसे चांस ले इकोनॉमिक आइडियाज़ के लिए, किस तरीके से गाइड करें इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में, खुद और फ्यूचर को किस तरीके से क्रिएट करें, एक अच्छा बना है, उस सब के बारे में प्रैग्मेटिक अप्रोच यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉमन्स वर्क वॉज कैरेक्टराइज बाय टू क्वालिटीज़। कॉमन्स ने भी दो क्वालिटी को शो करा है, नेमली हिस्टोरिसिटी एंड रिलेटिविटी। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर प्रैग्मेटिक अप्रोच के बेसिस पे दो क्वालिटीज़ बताई है इकोनॉमिक्स की, एक तो हिस्टोरिकल यानी कि हिस्टोरिसिटी के बेसिस पे हिस्टोरिकल अप्रोच अच्छी रही इकोनॉमिक्स की, और रिलेशन अच्छा है इसलिए रिलेटिविटी वाला, रिलेशन यानी कि रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है हमारा इकोनॉमिस्ट। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करता है, एक आइडिया दूसरे आइडिया से रिलेट करता है, एक सेक्टर या एक सिस्टम जो है इकोनॉमी का वो दूसरे सिस्टम से रिलेट करता है। तो इन्होंने अपनी प्योर थ्योरी को प्रैग्मेटिक थ्योरी में शिफ्ट करा है। प्रैग्मेटिक यानी कि बिहेवियर बेसिस पे बात करी इन्होंने, बिहेवियर एनालिसिस पे बात करी इन्होंने अपनी थ्योरी में। इकोनॉमिक्स को क्या बोला है, बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर से कनेक्ट होने वाला। प्योर थ्योरी टू प्रैग्मेटिक थ्योरी विच स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव एनालिसिस। और जो इंडक्टिव एनालिसिस है उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंस को ख़त्म करा है कि प्रैग्मेटिक थ्योरी है बिहेवियरलिज्म में होना चाहिए, जो फैक्ट ऑफ फिगर पे या लॉजिकली जो चलते हैं इंडक्टिव के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को छोड़ के इन्होंने अपने प्योर थ्योरी को प्रैग्मेटिक थ्योरी के साथ जोड़ा है। तो सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए एक लेमन लैंग्वेज में, तो इन्होंने प्रैग्मेटिक थ्योरी की अप्रोच या प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाया है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरीके से माना है कि इकोनॉमिक्स एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटेशन मेथड वाला यूज़ करना, चांस लेना या गाइडिंग देमसेल्फ, उन उस चीज़ का ही कंसेप्ट है। इसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ गोइंग कंसर्न के बारे में बताया। गोइंग कंसर्न यानी कंसिस्टेंसी। हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक एक्सपेक्टेशन जो होता है, जो बेनिफिट देता है सोसाइटी को, वो एक कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, इसलिए इन्होंने गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट दिया। कॉमन्स डिफाइंड अ गोइंग कंसर्न एज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोमिस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेनिफिशियल बार्गेनिंग मैनेजियल एंड राशनिंग ट्रांजेक्शन। अब इन गोइंग कंसर्न कैसा होना चाहिए, जो एक तो बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन को, एक मैनेजियल ट्रांजेक्शन को, राशनिंग ट्रांजेक्शन, तीनों को यहाँ पे
कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाए। इसलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में तीनों की इंपॉर्टेंस ही बताई है, विच वर बाउंड टुगेदर एंड द वर्किंग रूल्स बाय द वर्किंग रूल्स। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताई कि एक दूसरे से बाउंड है, एक दूसरे से वर्किंग टुगेदर है, तो इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है। इट इज़ दीज गोइंग कंसर्न विद द वर्किंग रूल्स डेट कीप दैम बाय गोइंग ऑल द वे फ्रॉम द फैमिली कॉरपोरेशन स्टेट इटसेल्फ। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में वर्किंग रूल्स के बारे में बताया कि वर्किंग रूल्स किस तरीके से होना चाहिए जो सबके ऊपर लगे, रूल्स रेगुलेशन, इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक फैमिली पे, लाइक कॉरपोरेशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे, और स्टेट यानी गवर्नमेंट खुद भी उस चीज़ को फॉलो करे। तो इन्होंने गोइंग कंसर्न यानी कंसिस्टेंसी के बारे में, रूल्स के बारे में बताया कि कंसिस्टेंसी और रूल्स हर जगह होने चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो स्टेट खुद क्यों ना हो। कॉमन्स डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन टू अदर टर्म्स, गोइंग प्लांट एंड गोइंग बिजनेस। गोइंग प्लांट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द मेन एम ऑफ विच इज अटेंड हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड आउटपुट। अब दो टर्म्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है और उसके बारे में डिफ्रेंशिएशन करा है। एक तो गोइंग प्लांट, गोइंग प्लांट यानी कि टेक्निकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिस्टेंसली हाई डिग्री यानी कि एफिशिएंसी ऑफ वर्क को अचीव करे, वो भी हाई लेवल पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ वर्क को हाई लेवल पे अचीव करेगा तो आउटपुट भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी वाला आउटपुट आएगा, और इससे क्या होगा, गुडविल भी कंपनी की बढ़ेगी। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करा कि गोइंग प्लांट कैसा होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने गोइंग बिजनेस के बारे में करा है कि गोइंग बिजनेस यानी कि मनी वैल्यू को लेकर चलने वाला, प्रोडक्शन को लेकर चलने वाला। इन्होंने अपने ओपिनियन में गोइंग बिजनेस यानी कि लगातार सेल्स परचेस होने की बात कही है। अगर ये लगातार चलती रहेगी और गोइंग प्लांट यानी कि एफिशिएंसी और आउटपुट अच्छा रहेगा तो बिजनेस अपने जो ऑब्जेक्ट है वेल्थ क्रिएट करना उनमें आगे बढ़ जाएगा। तो इन्होंने बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताया, द बेस्ट गोइंग बिजनेस इज दैट इन विच सेल्स एंड परचेस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर राइटली प्रपोर्शन। अगर ये चीज़ें सही रहेगी, राइटली प्रपोर्शन रहेगी, तो बेसिकली बिजनेस भी तेज़ी से डेवलप करेगा। इसके बाद इन्होंने पब्लिक यूटिलिटी थ्योरी के बारे में बताया जो लेबर के ऊपर है, पब्लिक यूटिलिटी थ्योरी ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू कॉमन्स, लेबर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इन्होंने लेबर को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना है जो कि कंट्री के इकोनॉमी का है, क्योंकि लेबर एक ऐसा फैक्टर है प्रोडक्शन का जो पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट करता है। लेबर की साइकोलॉजी को समझना, लेबर की क्या एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करना, और कॉर्पोरेट का काम क्या है कि लेबर का साथ देना, लेबर के साथ कोऑर्डिनेशन रखना। इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात करी है कि लेबर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, लेबर के साथ काम करना, लेबर के साथ वर्किंग करना, लेबर के साथ ऑब्जेक्ट को पूरा करना, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सो अकॉर्डिंग टू कॉमन्स, लेबर कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने भी ये माना है कि लेबर एक ऐसा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट माना गया है हमारी कंट्री के अंदर, बिकॉज दे वर क्रिएटेड पब्लिक यूटिलिटीज़, ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लेबर एंड वर्किंग ऑफ कॉपरेट मैनेजमेंट। इसलिए उन्होंने लेबर की इंपॉर्टेंस बताई है। साइकोलॉजिकली भी लेबर को अगर समझ गए तो लेबर की एक्सपेक्टेशन ईजिली पूरी होती है और कंपनी के साथ उसका बॉन्डिंग जो होता है इम्प्रूवमेंट वो भी होता है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन लेबर लेजिस्लेशन, सोशल इंश्योरेंस, पब्लिक यूटिलिटी रेगुलेशन, वर्कमैन एज कंपनसेशन। अब इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं, लेबर लेजिस्लेशन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेबर के लॉज जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 में, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ लेबर लॉज, सोशल इंश्योरेंस, लेबर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, लेबर को भी बेनिफिट मिलने चाहिए जो कि अदर एम्प्लॉयज़ को मिलता है, पब्लिक यूटिलिटी रेगुलेशन होना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए लेबर के लिए। He predicted that the future of industry was psychological. He suggested that a worker should be taught the importance of his job and its significance in the productive process. In short, he was a part of going concern. अब इन्होंने लेबर की थ्योरी में एक पॉइंट और बताया कि अगर लेबर को आप साइकोलॉजिकल समझ जाओ, इंडस्ट्री को आप साइकोलॉजिकल समझ जाओ जो कि फ्यूचर है आगे का,
साइकोलॉजिकल फ्यूचर होगा इंडस्ट्रीज़ का, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी वेल्थ के अंदर, लेबर की जॉब की इम्पोर्टेंस को और प्रोडक्टिव प्रोसेस को। क्योंकि अगर प्रोडक्टिव प्रोसेस को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बनाना, तो लेबर, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट, इंडस्ट्री, इनको अगर समझ गए आप, इनकी साइकोलॉजी को समझ गए, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन्स दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी आप अचीव कर लोगे जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इन्होंने शॉर्ट में इसको गोइंग कंसर्न का पार्ट कहा है कि कंसिस्टेंसी इनमें रहेगी तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। और इस चीज़ को समझ के आप अपने जो लेबर की यूटिलिटी है उसको भी बढ़ाओगे, क्योंकि यूटिलिटी लेबर की बढ़ जाएगी तो डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा। उसके बाद इन्होंने कैपिटलिज्म के ऊपर बताया। कैपिटलिज्म के इन्होंने तीन पार्ट बताया। मर्चेंट कैपिटलिज्म यानी कि बिजनेस मैन का, ट्रेडर्स का, जिसको मर्केंटलिज्म कहते हैं, एम्प्लॉयर कैपिटलिज्म और बैंकर कैपिटलिज्म, तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड कराया। एम्प्लॉय कैपिटलिज्म में इन्होंने फैक्ट्री मेथड ऑफ प्रोडक्शन और लीगल रूल्स के बारे में बताया है कि फैक्ट्री मेथड अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का सही मेथड होना चाहिए, एम्प्लॉयर उससे प्रॉफिट अच्छा क्रिएट कर सकता है। दूसरा, इन्होंने लीगल कंट्रोल ऑफ कमोडिटीज़ के ऊपर बात करी है, कमोडिटीज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो कि फिजिकल कंट्रोल से अलग हो। इन बैंकर कैपिटलिज्म, बैंकर एंटर्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द स्टेज ऑफ अबंडेंस कॉस्ट बाय द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन वॉज मर्ज इन टू एन एरा ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब बैंकर कैपिटलिज्म में इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जिम्मेदार माना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो डिपेंड ज़्यादातर मेजर फॉर्म में इंडस्ट्री के ऊपर होता है। इसलिए इन्होंने, अगर इंडस्ट्री में स्टेबलाइजेशन आ जाएगी तो बैंक की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें भी अबंडेंस फॉर्म में या अबंडेंट फॉर्म के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ और बैंक का रिलेशन भी बताए इनडायरेक्टली रूप से। इन बैंकर कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक एटमोसफेयर वॉज क्रिएटेड इन विच द कॉपरेशन प्ले डोमिनेंट रोल। अब इन्होंने अपने जो थ्योरीज है उसमें कॉपरेशन का भी रोल इम्पॉर्टेंट बताया है। इट वॉज अ फ्लेक्सीबल इंस्टीट्यूशन, इट हैज इन्फ्लुएंस लेजिस्लेचर एंड एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशंस। अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया है कि बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, कॉपरेशन सेक्टर्स, कंपनीज का इनडायरेक्टली रिलेशन है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली रूप से रोल किसका है? बैंक का है। बैंक लोन देता है उनको, और इंडस्ट्रीज़ का जो इम्पॉर्टेंट रोल है बैंक को डेवलप करने में, बैंक की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में, सो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इन, अगर ये दोनों को डेवलप करना है तो दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, इससे पब्लिक रिलेशन भी अच्छा होगा, इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी अगर अच्छे होंगे तो इनका दोनों का डेवलपमेंट होगा। कुछ इन्होंने एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, पाँच एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया, फाइव ऐसे एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल है जो जॉन रोजर्स कॉमन्स ने इंट्रोड्यूस करा है। एफिशिएंसी, सेकंड है स्कार्सिटी, थर्ड है वर्किंग रूल्स, सोवरेनिटी, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्यूचरिटी। ये फाइव ऐसे हैं जो इन्होंने एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स बताया है। ये डिस्कस द नोशंस ऑफ स्कार्सिटी एंड एफिशिएंसी इन डिटेल में ना। इन्होंने एफिशिएंसी की बात करी है, यानी कि कैसे आउटपुट को बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, जैसे हमने गोइंग प्लांट वाले कंसेप्ट में पढ़ा। इन्होंने स्कार्सिटी, इन्होंने रिसोर्सेज की कमी के बारे में बताया है। इन्होंने वर्किंग रूल्स, वर्किंग रेगुलेशंस, लेबर रेगुलेशन, लेबर लेजिस्लेचर के बारे में बताया। इन्होंने सोवरेनिटी के बारे में बताया, हर चीज़ को डेवलपमेंट के बारे में बताया। इन्होंने फ्यूचरिटी, फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में बताया, जैसे हमने साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बात करी थी कि फ्यूचर में किस तरह की साइकोलॉजिकल थ्योरी एक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में रहेगी। सो इन्होंने स्कार्सिटी और एफिशिएंसी के बारे में भी डिटेल में बात करी है कि रिसोर्सेज कमी, स्कार्सिटी, टेक्नोलॉजी कमी, लेबर की कमी हमें अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी बात अपने थ्योरी में कही है। एफिशिएंसी की बात भी इन्होंने कही है। वेबलिन थॉट डेट, जो एक इकोनॉमिस्ट थे थॉस्टिन वेबलिन, इन्होंने भी कैपिटलिज्म के बैलेंस के बारे में बात करी है, क्योंकि दोनों को अटेंड कर लेंगे आप, यानी कि स्कार्सिटी एंड एफिशिएंसी, तो आपका कैपिटलिज्म बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि हमने वेबलिन की थ्योरी में बात करी थी। सो वेबलिन थॉट डेट अंडर कैपिटलिज्म बैलेंस कुड बी अटेंड बिटवीन द टू
वेयर एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज स्कैर्सिटी एज अ बेसिस फॉर, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने स्कैर्सिटी को एक वैल्यू का बेसिस माना है कि स्कैर्सिटी पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी वैल्यू भी अच्छी क्रिएट होगी। तो एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स में कॉमन्स के साथ साथ हमने वेबलैंग के बारे में बताया और हमने एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में भी बात करी थी कि इनके थॉट इन प्रिंसिपल में कैसे सिमिलर थे कॉमन्स के साथ स्कैर्सिटी के बेसिस पे, और वेबलिन का स्कैर्सिटी एंड एफिशिएंसी के बेसिस पे। उसके बाद लास्ट है कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन में इन्होंने डेवलपमेंट के बेसिक अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, सर्वरल स्टेजेस बताए, वेरियस स्टेजेस बताए। द कॉमन्स डिस्कस्ड एलेबोरेटरी द सर्वरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कलेक्टिव एक्शन। द इम्पेटस फॉर फर्स्ट स्टेज वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। अब इन्होंने मार्केट के डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेज है वो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेबर डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बताया है। और इन सब से जो रिलेट करता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, उन चीज़ों के बारे में बताया है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तेज़ी से तो एक तरीके से आपको स्टेजेस चुननी पड़ेगी, जो कि इन्होंने टेक्नोलॉजिकल और क्रेडिट जो है उन दोनों के बारे में भी, फाइनेंस के बारे में बात करी है। टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट लेड टू अदर स्टेज, और रिटेल शॉप स्टेज, होलसेल स्टेज, इनके बारे में बात करी है किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी में। रिटेल स्टेज के बारे में, होलसेल स्टेज के बारे में, दोनों कलेक्टिव मैनर है, ये एक साथ है, इनके बिना डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है, रिटेल और होलसेल स्टेजेस के बिना, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है ये। फर्दर अकॉर्डिंग टू कॉमन्स, थ्री मेजर इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशंस, यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द रिपीटेशन एंड द चेंजेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड ट्रांजेक्शन। अब तीन इंस्टीट्यूशन इन्होंने और बताया है, कॉरपोरेशंस, यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इनके ऊपर भी बताया कि ये डोमिनेंट रोल करते हैं हमारी कंट्री में रिपीटेशन में, हमारे ह्यूमन एक्शन के चेंजेस में और ट्रांजेक्शंस में, जो हमने पढ़े बार्गेनिंग, मैनेजरियल और रैशनल ट्रांजेक्शंस। सो कॉमन्स का अकॉर्डिंग ये तीन इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का भी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉरपोरेशन यानी कंपनीज, यूनियन यानी कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, इनका रोल है कंट्री की इकोनॉमी में, कंट्री में कलेक्टिव एक्शन का काम करते हैं ये, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली हमने इकोनॉमिक आइडियाज़ पढ़े जॉन रोजर्स कॉमन्स के, कौन कौन से पढ़े, बेसिकली एट ऐसे पॉइंट हमने पढ़े। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पढ़ा हमने, बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बाद हमने गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट पढ़ा, हमने बेसिकली बात करी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात करी जो बिहेवियरलिज्म पे डिपेंड करता है, और पब्लिक यूटिलिटी के बारे में बात करी, कैपिटलिज्म के बारे में बात करी, एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी, लास्ट हमने कलेक्टिव एक्शन के बारे में बात करी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जॉन रोजर्स कॉमन्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।